नमस्कार दोस्तों, गुरूर मत करो। जो आज आपके पास है वो कल दूर भी हो सकता है, और जिसको आप पत्थर समझते हैं वो कोई नूर भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 16 फरवरी दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा, और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों अगर आपकी भी मिथुन राशि और आप जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, आज भगवान नारायण और साईनाथ का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण और ओम साईनाथ अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 16 फरवरी 2023 दिन गुरुवार। आज की तिथि है एकादशी। आज का नक्षत्र है मूल नक्षत्र। सूर्योदय 7:02 AM, सूर्यास्त 6:19 PM। सूर्य राशि सूर्य कुंभ राशि पर है। अभिजीत मुहूर्त 12:18 PM से 1:03 PM। आज का चाणक्य विचार। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि मेहनत करने से दरिद्रता दूर होती है, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कला नहीं होता, और जागते रहने से भय नहीं होता। ये चार चीजें सफल और सार्थक जीवन के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं। चाणक्य की नीतियां बुरे समय में उसे एक दीपक की तरह काम करती हैं, जो घोर अंधेरे में भी उजाला कर देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को संकट के समय किसी एक चीज का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किल घड़ी में यही चीज इंसान की डूबती नैया पार लगा सकती है, और बुरे वक्त को जल्दी टाल सकती है। आइए जानते हैं कौन सी है चीज। विपत्ति को अवसर में बदले। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में कई तरह के इम्तिहान देने पड़ते हैं, खासकर बुरे समय में व्यक्ति को अपने साहस की परीक्षा जरूर देनी पड़ती है। चाणक्य के अनुसार जब व्यक्ति लगातार नाकाम होता है तो उस कठिन समय में विपत्ति को ही अवसर में बदलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है खुद से संवाद। शांत मन से सोचने पर अवसाद को भी अवसर में बदला जा सकता है, क्योंकि जब भी चुनौतियां और मुश्किलें आती हैं तो उनके साथ अवसर भी आते हैं। जरूरत है तो बस ठंडे दिमाग से उन पर ध्यान देने की। लक्ष्य से भटके नहीं। लक्ष्य प्राप्ति की राह आसान नहीं होती है, गुलाब के फूल के समान है जिसकी डगर कांटों से भरी होती है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो मुश्किल दौर में भी अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ते, धैर्य और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहते हैं, वह जरूर कामयाब होते हैं। असफल होने का डर ही व्यक्ति को संकट में डालता है। अगर नाकामयाबी को इंसान सही तरीके से ले तो वह दो दिशाओं में आगे बढ़ता है। एक तो वह अपने काम को बेहतर करता है, और दूसरे इंसान के तौर पर भी श्रेष्ठ बनता है। अगर अपने भ्रम को समझ लिया तो जीवन में स्पष्टता आएगी, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए बेहद जरूरी है। लक्ष्य साध लिया तो कभी बुरे दिन जल्दी कभी भी टल जाएंगे, और जीवन खुशियों से भर जाएगा। परिश्रम से पास होगी परीक्षा। परिश्रम करते रहना चाहिए, कितना ही खराब समय आ जाए व्यक्ति को बैठे नहीं रहना चाहिए, लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम ही व्यक्ति को इस संकट से निकालने में मददगार होता है। दोस्तों यदि चाणक्य की नीति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशि फल। आज का आपका दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, पैसों की आवक होगी जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी, लेकिन खर्चों में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी जो आपको चिंता दे सकती है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने की खबर मिल सकती है। काम के सिलसिले में दिलबार अच्छा रहेगा। आज लव पार्टनर एक दूसरे के लिए भरपूर टाइम निकालेंगे। साथी की सलाह से आज आपको बड़ा लाभ होगा। मैरिड कपल्स एक दूसरे को सम्मान दे तभी प्यार की डोर मजबूत कर पाएंगे। आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहने वाला है। नए कपड़े खरीदने में आपका धन व्यय हो सकता है। आज आपका मन थोड़ा शांत भी रह सकता है। हालांकि धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। हो सके तो वक्त और पैसों को मनोरंजन की चीजों पर ज्यादा खर्च ना करें। आप मन को शांत रखें और विवादों को हल करने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। दैनिक कार्यों में भी सफलता के आसार बन सकते हैं। आज मन मस्तिष्क को नियंत्रण रखें। आज यदि आप कुछ नया करने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। अधिकारियों से भी बहस हो सकती है। लवमेट के लिए दिन बढ़िया है। साथी से कोई उपहार मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यों में अधिकारियों से मदद मिलेगी। गैर कानूनी कामों से पैसा कमाने की ना सोचे वरना फंस सकते हैं। कोई नया काम शुरू करने का प्लान बनाएंगे जो भविष्य में आपके लिए काफी फलदायी होगा। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक सुख मिलेगा। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन के लिए आज का दिन मान सामान्य रहेगा। एक दूसरे को समझने में आप सफल होंगे। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को आज कुछ निराशा हो सकती है। आज अनुकूलता रहेगी और काम के सिलसिले में दिनमान बढ़िया रहेगा। आपको ट्रांसफर के बारे में सुनने को भी मिल सकता है। आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मिलने का योग भी बन सकता है। जिन लोगों से आपकी अनबन पहले हुई है उनसे बात करने के लिए और मामला सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। आपको नए स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है। इस राशि के स्टूडेंट्स का आज पढ़ाई में मन लगेगा। आज आपका प्रेम प्रसंग के प्रति झुकाव अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक रहेगा। स्वास्थ्य फिट रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्यार के मामले में निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन हिम्मत मत हारें, क्योंकि आखिर में आपके सच्चे प्यार की जीत होगी। आपके स्वभाव में आज अच्छे बदलाव देखे जा सकते हैं। बीते समय से जो बातें आपको मानसिक रूप से परेशान कर रही थी उनका हल भी आज आपको मिल सकता है। आपके अधीनस्थ अनावश्यक बहस कर सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप बहस बढ़ सकती है। घर परिवार के कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वयं पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। आपके लिए आज का दिन मान मध्यम रूप से फलदायक होगा। आज आपकी चिंताएं बढ़ेंगी और धन की प्राप्ति को लेकर कुछ बेचैनी भी होगी, लेकिन इससे बाहर निकलने की कोशिश करें, यह आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के रिश्ते में आगे ना बढ़ पाने को लेकर चिंता
रहेगी। काम के सिलसिले में दिमाग उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है, दिन फायदेमंद होगा। रुके हुए काम मित्र की मदद से पूरे हो सकते हैं। माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर जाना हो सकता है। आपको किसी अपने से खुशखबरी मिल सकती है। बेहतर होगा पैसों के मामले में उधार लेन देन से बचे, वैसे रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। इस राशि के छात्रों का पढ़ाई के प्रति रुझान बना रहेगा। आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। आपकी तीव्र बुद्धि के कारण आपको पुरस्कार मिलने के योग भी नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आपके घर किसी नए रिश्तेदार का आगमन हो सकता है। आज परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। भाइयों और मित्रों के विषय में कुछ चिंता रहेगी, ऐसे में उनके संपर्क में रहना चाहिए। संतान की पढ़ाई को लेकर ध्यान रखना होगा। बिजनेस और नौकरी में नए आइडिया मिल सकते हैं। धन के मामलों में पर्याप्त सफलता मिलेगी। सौदेबाजी में समय न बर्बाद करें। आपका जमकर मेहनत करना आपकी व्यवसायिक गतिविधियों को मजबूत बना देगा। आपके लिए आज का दिन माल अच्छा होगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और मन हर्षित होगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोग भी आज काफी खुशी महसूस करेंगे। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में तनाव में कमी आएगी। आपके मन में किसी खास धार्मिक काम को लेकर श्रद्धा जागेगी। काम के सिलसिले में आपकी कार्यकुशलता आपकी मदद करेगी। दिन आपके लिए बेहद खुशनुमा रहेगा। आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आपको किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खुशी के पल बिता सकते हैं। जो चीजें आपके लिए रुकावटें बन रही हैं, उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करें। इसके विपरीत कुछ जरूरी चीजें आपको फायदे दिला सकती है। इस राशि के कारोबारियों को बड़ा फायदा होने वाला है। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की कोशिश करेंगे तो सब अच्छा होगा। रुके हुए काम बनेंगे। आज आपके जीवन में खुशहाली दस्तक देने वाली है। आज के दिन नकारात्मकता में भी अवसरों को खोजना चाहिए। नौकरी से जुड़े लोगों को कार्य में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर मानसिक रूप से अत्यधिक भार लेने से बचना चाहिए। आय में वृद्धि होना तय है और आपको आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी मिल सकता है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के बेहतर परिणाम हासिल होंगे। कुआरों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिमाग सामान्य रहेगा। जबकि शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में आज जीवन साथी की ईगो आड़े आ सकती है, इसलिए सावधानी से काम लें। मित्रों, आज आपका शुभ अंक है एक। शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय, क्रीम रंग के जूते पहनना नौकरी व बिजनेस के लिए शुभ रहेगा। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।